हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज हम कवर करेंगे हेलमेंथिक डिजीजेस। इससे पहले हमने कवर किया था बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीज एंड फंगल डिजीजेस। ओके, प्लस वन में आपने फाइलम एसके हेलमेंथिस पढ़ा था, आपको याद होगा। उसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि राउंड वॉर्म्स जिसमें एस्केरिस आती है, और विचरेरिया जिसको हम फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से वो डिजीज कॉज करते हैं, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एस्कैरियसिस के बारे में। एस्कैरियसिस एक ऐसी डिजीज है जो कि जिसको कॉज करता है एस्कैरिस लुम्बिकॉइड्स, जिसको जिसको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट आप समझते हो, ऐसा पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, अंदर रहने से उसके न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट निमेटोड है। ठीक है, निमेटोड लार्जेस्ट निमेटोड है जो कि ह्यूमंस के अंदर रहता है। लाइफ साइकिल इज मोनोजाइगोटिक, सॉरी मोनोजेनेटिक। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसा पैरासाइट या डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका एक ही होस्ट है, मतलब एक ही होस्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये होस्ट क्या है इसका, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर ही रहता है, उसी के अंदर ही ये क्या है डिजीज कॉज करता है, इसको किसी दूसरे होस्ट की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं कंपेरिजन वन होस्ट का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे विचरेरिया के बारे में, तो उस वो कैसा है कि डाइजेटिक है, उसके दो होस्ट चाहिए। जैसे मलेरिया है, मलेरिया को भी क्या चाहिए, दो होस्ट चाहिए, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फेक्शन कैसे होता है, देखिए इन्फेक्शन इसका होता है कंटेमिनेटेड एग से। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहने में क्या होता है, जैसे ये मेट करते हैं तो एग रिलीज करेंगे, है ना, एग रिलीज करेंगे। अगर तो वो एग फर्टिलाइज्ड है, और किस जब हम फिकल मेटल बाहर निकालते हैं, इजेशन करते हैं ना, बाहर फिकल मेटल अपना निकालते हैं, फिसेस बाहर निकालते हैं, अगर उस फेसेस के अंदर, फिकल मेटल के अंदर फर्टिलाइज्ड एग है, तो उससे क्या होगा, वो अगर हमने बाहर कहीं सड़क के किनारे, खेतों पे या सॉइल के ऊपर अगर हमने फिकल मेटल डाला है, तो वहां पे जो भी ग्रास होगा, कोई भी प्लांट होगा या सॉइल है, उसके अंदर वो कंटेमिनेट हो जाएगा। वो कंटेमिनेटेड सॉइल, कंटेमिनेटेड प्लांट, ठीक है, अगर उसमें फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, किसी भी तरह से वो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट जो भी है, या वाटर है जो भी है, ठीक है, वो हमारे अंदर चला जाता है, तो वो क्या होगा, अंदर जाके हमें डिजीज कॉज करता है। तो लाइफ साइकिल भी देखेंगे इसकी, इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, सॉयल, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके भी जिक्र करते हैं। ठीक है, तो विच गेट कंटेमिनेटेड विद फर्टिलाइज्ड एग, अगर इसके अंदर, इस सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर अगर फर्टिलाइज्ड एग चले जाते हैं, तो जब हम इनको टेक करते हैं, है ना, वाटर को ड्रिंक करते हैं, या जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके नाखून बहुत बड़े होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, और उस मिट्टी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग मौजूद होंगे, पड़े होंगे, तो जैसे ही वो उनको उठाएंगे, मुंह में हाथ डालेंगे, कोई भी फूड खाएंगे, और अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे, उनके जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उनके अंदर अगर वो एग रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो उस खाने के साथ साथ उन एग्स को भी अपने अंदर ले ले। ठीक है जी, और वो एग्स बाहर कैसे आते हैं, वो मैंने आपको बताया ही, फेसेस बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, वो क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, और इंटेस्टाइन से हमारा क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, तो उस फूड के साथ साथ क्या है, ये एग्स भी बाहर निकल जाते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग अगर बाहर निकलते हैं, जो फर्टिलाइज्ड नहीं है, उनसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम देखिए, अगर वो इंटेस्टाइन के अंदर है तो इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, डिजीज कोज करेगा, तो क्योंकि अंदर वो रहते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, उसको तो ईट करेंगे करेंगे, साथ में जो इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल है उसको भी पंक्चर करेंगे, उसके अंदर उसको भी हार्म पहुंचाएंगे, तो वहां पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अंदर रहेंगे तो मस्कुलर पेन और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहेगा, फीवर की शिकायत हो सकती है, अनीमिया, खून की कमी, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। आगे जब आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, तो आपको देखोगे कि इसका इन्फेक्शन इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि इंसान की
डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नोजिया एंड हेडेक, तो जी कच्चा होना, जी मचलना, उल्टी आने का बंद करना, हेडेक रहना, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है एस्कैरियसिस के, ठीक है जी। तो आपको इनका नाम और इनका जो कंटेमिनेशन किसके थ्रू होता है और सिम्टम्स क्या है ये याद होना चाहिए। ये मैं इन दो पिक्चर्स की बात कर रहा था, ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, ठीक है। ऑपरेशन के दौरान ये जो पिक्चर्स क्लिक की गई हैं, आप देख सकते हो कि इसका जो इन्फेक्शन है इतना ज्यादा भयंकर हो सकता है, इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। मैंने कहा था इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि किस तरह से इसने क्या है पूरी की पूरी इंटेस्टाइन को ब्लॉक किया हुआ था, और ये सारे के सारे जितने भी एस्कैरिस हैं, ये सारे क्या है बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर भी क्या है, पूरा का पूरा ये इंटेस्टाइन का जो पैसेज इसको ब्लॉक कर रखा है, तो इसको लाइट नहीं ले सकते हम। बहुत सारे जो लाइव ये एस्कैरिस हैं, ये एनस के थ्रू बाहर भी निकल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बहुत सारा इनका क्या है, जब एक मीटिंग हो जाती है, बहुत सारे एस्केरिस अगर जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डेथ कॉज भी कर सकते हैं। इस पिक्चर में इनकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है, ये इसको पढ़ लेना आप एक बार, क्योंकि मैंने इसके बारे में बता ही दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो मेल और फीमेल होते हैं, अच्छा एक और चीज है आपको याद होना चाहिए, हमने एस्केरिस के बारे में पढ़ा था, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मीन्स मेल और फीमेल को हम अच्छी तरह से बाहर से पहचान सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये एक फीमेल है। फीमेल मोस्टली कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हुक्ड होते हैं, नीचे से मुड़े हुए होते हैं, राउंडिश होते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैंने इसमें फोटो में भी दिखाया हुआ है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से जो फिकल मेटलम बाहर निकालते हैं एनस के थ्रू, उसके अंदर एग हो सकते हैं इसके। अगर वो एग फर्टिलाइज्ड हैं, फिर तो वो ठीक है सॉइल के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे, टाइम लेंगे थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, इनके लार्वा बनेंगे, लार्वा बनने की स्टेज अलग अलग चलती रहती है, ठीक है। जब इनके एक लार्वल स्टेज को हम दोबारा से कंटेमिनेटेड है ना, कंटेमिनेटेड जो फूड आइटम्स हम खाते हैं, सोयल है, वाटर है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेते हैं और उनके साथ ये लगे हुए होते हैं ये एग्स, इसके अगर फर्टिलाइज्ड एग अगर ये लगे हुए होंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से ग्रो करके हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे थ्रू माउथ। एक इसमें आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ, ये जब इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो इंटेस्टाइन से भी हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में घूम के आती है। जैसे इसके लार्वा अंदर जाएंगे, बड़े होंगे तो वो लंग्स में भी जाएंगे, हार्ट के अंदर भी जाएंगे, वो लीवर के अंदर भी जाएंगे और दोबारा इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से पूरे के पूरे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर घूमते रहते हैं। अगर एग जो रिलीज हुए हैं फेकल मेटल से एनस के थ्रू बाहर आए हैं, अगर वो अनफर्टिलाइज्ड हैं तो उनसे डिजीज कॉज नहीं होती, वो सिंपली हमें हार्मलेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेंटियासिस एंड फिलेरियासिस। डिजीज कॉजिंग जो एस्कहेलमिंथिस है उसका नाम है विचरेरिया बेनक्रोफ्टी, एंड दूसरी स्पीशीज का नाम है विचरेरिया मलयाई। इनको फिलेरियल वॉर्म्स भी बोल देते हैं, इसलिए जब ये डिजीज कॉज करते हैं इसको फिलेरियासिस बोल देते हैं, क्योंकि इनका नाम क्या है, फिलेरियल वॉर्म्स है। फिलेरियल वॉर्म से जो डिजीज होगी उसको क्या बोल दिया, फिलेरियासिस। एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या है लोअर जो हमारे लिम्स हैं है ना, हमारी जो टांगे हैं सूज के एलिफेंट की तरह हो जाती हैं, आगे पिक्चर में दिखाऊंगा, एलिफेंट की तरह हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, तो इसलिए इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इनहेबिट द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता होगा, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे जो लिम्फ वेसल हैं, लिम्फ के अंदर ये रहते हैं। दीज वॉर्म्स हैव डायजेंटिक लाइफ साइकिल, मैंने वहां पे मोनोजाइगोटिक सॉरी मोनोजेनेटिक का जिक्र किया था, इसीलिए किया था क्योंकि ये जो वॉर्म्स हैं है ना, इनकी साइकिल कैसी है, डाइजेनेटिक है, मतलब इसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। प्राइमरी होस्ट इसका जो है वो क्या है, होमन्स है। प्राइमरी मीन्स जातरी सबसे पहले किसमें रहेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट जहाँ पे कुछ टाइम के रुकते हैं वहां पे ये डिजीज कोज नहीं करते, सिर्फ क्या है ह्यूमंस को ही करते हैं, तो वो क्या है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटोज, ठीक है जी।
आफ्टर मेटिंग फीमेल वॉर्म प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोक्लेरियाई। तो ये क्या है, इसका जिक्र क्यों किया गया है? इसका जिक्र इसलिए किया गया है, जैसे ही मेल और फीमेल मेट करते हैं, मेट करने के बाद फीमेल क्या है, थाउजेंड्स ऑफ जो लार्वी टाइप जो सेक्रेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी, बाहर निकालेगी, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलेरियाई। और ये माइक्रोफिलेरियाई क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है, क्यूलिक्स के अंदर। अब किस में करेंगे, क्यूलिक्स के अंदर ग्रो करेंगे, मॉस्किटो के अंदर ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद जब इनकी एक अच्छी स्टेज आ जाएगी, इन्फेक्टिव स्टेज आ जाएगी, और जब वो मॉस्किटो दोबारा किसी भी पर्सन को काटेगा तो वो दोबारा उसके अंदर चले जाएगी। तो प्रोसेस इसकी दिखाएंगे, माइक्रोफिले आर ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलिक्स, जो कि एक वैक्टर है, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, किसी भी एक हेल्दी पर्सन को काट सकता है, ठीक है, टेकिंग ब्लड मेल। जैसे ही मॉस्किटो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर जाते हैं, ठीक है, फॉर ब्लड सकिंग, ब्लड मील लेने के लिए, अपना खाना लेने के लिए, तो अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर वो चले जाएंगे माइक्रोफिलरी। ये माइक्रोफिलरी उसके अंदर ग्रो करेंगे, थोड़ा डेवलप करेंगे, उसके सलाइवा में आ जाएंगे, ठीक है, उसके जो सलाइवरी ग्लैंड है यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही वो किसी और पर्सन का, हेल्दी पर्सन का ब्लड सक करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सलाइवा को सेक्रेट करते हैं उसके अंदर। सलाइवा को सेक्रेट क्यों करते हैं, ताकि जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग ना हो जाए। भाई उनका जो, जब उसको ब्लड सक करेंगे, जो पाइप है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, उसमें क्या है, ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, ब्लड जम सकता है, तो अपना सलाइवा सेक्रेट करते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो उस ब्लड को जमने नहीं देते, ठीक है। और जब वो सलाइवा अंदर सेक्रेट करेंगे, उस सलाइवा के अंदर क्या है, माइक्रो फिलेरिया है, और ये माइक्रोफिलेरी क्या करेंगे, फिर डिजीज काज करेंगे। सिम्टम देख लेते हैं, इसके सिम्टम बड़े खतरनाक हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है, इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। तो इनके जो सिम्टम्स हैं एकदम से नहीं आते, और ये धीरे 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 इनका जो है असर दिखता है, क्लियर है। ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल क्या है, ब्लॉक कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, ओडिमा बोलते हैं। लोअर लिम्स के अंदर ये मोस्टली होता है, ये लोअर लिम्ब में क्यों होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्वेलिंग ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स लीडिंग टू द डिफॉर्मेशन, भी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं हमारे, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, दोनों के ही जेनिटल ऑर्गन क्या है, वो भी स्वेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि हैंड्स भी कर सकते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनकी ब्रेस्ट भी कई बार स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और वो डिफॉर्म हो जाते हैं, बहुत से बॉडी पार्ट क्या है, डिफॉर्म हो जाते हैं, मोस्टली लोअर लिम्ब के अंदर होते हैं। लोअर लिम्ब में क्यों होता है, देखो क्या होता है कि ये जो हमारा लिम्फ वेसल है वो क्या होते हैं, एक बार ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने के बाद क्या है, दोबारा से ब्लड के अंदर इनका सर्कुलेशन नहीं होता, ब्लड के अंदर दोबारा नहीं जा पाते, तो ग्रेविटी के कारण ये जो धीरे 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 जो लिम्फ है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, बॉडी के नीचे वाले जो पार्ट है लोअर लिम्ब में, उनमें आना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे आ जाते हैं, ठीक है जी। और जब ये बहुत ज्यादा वेसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, जो जो लिम्फ है, लिम्फ बहुत ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ऊपर से उसके अंदर क्या है, वॉर्म्स भी हैं, तो ये स्वेलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर एक टांग दूसरी टांग से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा फर्क उसके अंदर दिखाई देता है। तो ब्लॉकेज जब वेसल्स की हो जाएगी तो इसका कारण क्या है, वो ज्यादा सारा लिम्फ नीचे की तरफ आएगा, लोअर लिम्फ की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और लोअर लिम्ब इकट्ठा होगा तो बहुत ज्यादा उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। तो लोअर लिम्ब में हमारे पास जेनिटल एरिया भी आता है, तो कई बार जेनिटल जो एरिया है हमारा, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से किसी को भी वो स्वेलिंग कर सकता है वहां पे, क्लियर है जी। ओके, इन पिक्चर्स की मैं बात कर रहा था, ये देखिए आप देख सकते हो, ये इसकी नॉर्मल लेग है, ठीक है जी, और ये इसकी अफेक्टेड लेग है, इस लेग के अंदर और इस लेग के अंदर आप दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस देख सकते हो। एक लेग क्या है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो वेसल्स हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा लिम्फ इकट्ठा हो गया है, और ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये इसके अंदर वॉर्म्स रहते हैं, और वॉर्म्स क्या करेंगे, स्वेलिंग करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे, वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसका असर हो सकता है, ये देखिए, ये इसके जो फुट है, फुट के जो पीछे
पीछे का हिस्सा है ना, लेग का जो काफ का जो पीछे का हिस्सा है वो कितना ज्यादा डिफॉर्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही परिवार के अलग अलग हिस्से हैं, तो इसके अंदर देखिए हर एक के लेग एक ठीक है और एक इफेक्टेड है। तो जहां पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो पार्ट क्या है, बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, स्वेलिंग वहां पे आने शुरू हो जाएगी, इतना खतरनाक ये वर्म होता है। ओके, लाइफ साइकिल के बारे में पहले भी आपको इसके बता चुका हूँ, एक बार इसको देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि इसको दो होस्ट चाहिए, ह्यूमन और फीमेल मॉस्किटो। ह्यूमंस के अंदर जैसे ही ये मेट करते हैं अडल्ट्स, ठीक है, तो फीमेल क्या करती है, माइक्रो फिलेरियाई प्रोड्यूस करती है, और वो माइक्रो फिलेरियाई अगर कोई मच्छर काट जाता है, मॉस्किटो काट जाएगा, फीमेल क्लिक्स काट जाएगा, तो वो माइक्रो फिलेरी क्या करेंगे, उस मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। मॉस्किटो जब उन माइक्रो फिलेरी को अपने अंदर लेगा तो उनकी जो फर्दर डेवलपमेंट होगी उसके अंदर ही होगी, तो आगे वो अलग अलग लार्वा स्टेज पे जाएंगे और उससे वो और ज्यादा सॉरी डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद उसके वे सलाइवा के अंदर आ सकते हैं। तो जब वो ऐसा मॉस्किटो है ना जिसके अंदर वो इन्फेक्टिव स्टेज है इनकी, वो लार्वी है, तो जब वो किसी और को काटेगा है ना, किसी और से ब्लड मिल लेगा, तो वहां पे अपने सारे के सारे जो लार्वी है वो डिपोजिट कर देगा, और डिपोजिट करने के बाद क्या है, वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसकी एक बार ये लाइफ साइकिल देख लीजिएगा, वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, एक और बात है, एस्कैरिस जो राउंड वर्म होती है, कहते हैं ना पेट में कीड़े पड़ गए, उसके लिए हम एक दवाई भी लेते हैं जिसका नाम है एल्बेंडाजोल, जो बच्चों को दी भी जाती है। ठीक है, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़ा नाम याद रखने हैं और सिम्टम्स याद रखने हैं, बाकी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आपके लिए आएगा, तो ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। जो एस्कैरियसिस है और फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों डिजीज को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो लिसनिंग के लिए, वॉचिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।